शांति। आज बाप दादा के 18 सितंबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली धारणा युक्त मुरली है। विशेष बाबा कहते हैं, तुम बच्चे शांति स्थापन करने के निमित्त बनते हो, इसीलिए तुम्हें कभी भी अशांति नहीं फैलानी है। और दूसरी बात, बाबा सपूत बच्चे और कपूत बच्चों की क्वालिफिकेशन बताते हैं कि सपूत बच्चे कौन है और कैसे वो बाबा के मददगार बनते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? उत्तर है, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले सवेरे उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुक्रूर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं, वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूं, ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा है। बाबा कहे, वास्तव में ओम अर्थात मैं आत्मा हूं, दुनिया में ऐसे सब कहते हैं कि जीव आत्मा है जरूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। यह है सतयुग, नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता सुख शांति है। बाबा कहे, अगर किसी को भी समझाना है कि भाई विश्व में शांति चाहते हैं तो शांति कब होगी, तो उनको चित्र पर ले आकर के समझाओ कि ये कलयुग है, ये सतयुग है, और सतयुग में एक धर्म होता है, तो जहां एक धर्म है वहां पवित्रता शांति सुख है। उनको कहा ही जाता है हेवन, यह तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहां विश्व पर ही होती है। वह तो है ही निर्वाण धाम, जहां शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं पूछ सकता। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए, क्योंकि आज दुनिया के अंदर हर कोई शांति चाहते हैं, तो इसीलिए जो उनको चाहिए वही बात उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती है। नोबल प्राइज जो है शांति की, वो इसीलिए दिया गया कि नोबल नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले विनाश के शस्त्र बनाए। तो एक बार वह कहीं जा रहा था तो उसने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो उस पर लिखा था कि भाई नोबल ने विश्व के अंदर मौत का सौदागर, उसको टाइटल दिया कि भाई नोबल कौन है, तो नोबल है मौत का सौदागर। तो जैसे ही उसने ये पढ़ा तो उसको लगा, नहीं, मौत के सौदागर के नाम से मैं जाना नहीं जाना चाहिए,
और इसीलिए उसने कहा जो भी विश्व के अंदर शांति का अच्छे से अच्छा कोई ना कोई राय देंगे या प्रैक्टिकल प्लान देंगे तो उनको नोबल प्राइज मिलेगा, नोबल पीस प्राइज मिलेगा। तो तब से लेकर के नोबल पीस प्राइज के रूप में प्रख्यात हुआ। तो नोबल पीस प्राइज मिलता है लोगों को, मौत के सौदागर ये नाम कैंसल हो गया। तो इसीलिए बाबा कहे मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं और उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात ही नहीं। बाप कहते सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाए। सिंपल तरीका बाबा ने बताया शांति का, स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश होंगे और अंदर में शांति होगी, बाकी दौड़ा दौड़ी करने की बात नहीं। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे, ये वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। शांति के वर्षे को कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता, उसको भी आना पड़ता है संसार में, तो फिर बाकी सब आत्माओं का तो क्या हाल है। भगवान को भी पार्ट में जरूर आना है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युग में आता, तो भगवान को भी मोक्ष नहीं तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं। यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। पर वैसे भी अगर देखा जाए तो आज मोक्ष क्यों चाहता है मनुष्य? सचमुच क्या मोक्ष चाहता है? आज किसी व्यक्ति बहुत थका हुआ हो और वो कहे मुझे सो जाना है, कोई मुझे उठाना नहीं, मैं बहुत थका हुआ, बस मुझे सोने देना। लेकिन 8-10 घंटे सोने के बाद जब फ्रेश होकर के वो उठता है और उस समय भी अगर कोई कहे कि नहीं सोए रहो तो क्या कहेंगे? वो तो जब थका हुआ था तब कहा था, फ्रेश हो गया हूं अब क्यों सोऊंगा। तो आत्मा का निज जो संस्कार है वो है कर्म में आना। मोक्ष में रहना उसका संस्कार नहीं। हाँ, टेम्पररी जब थक जाता है तो आराम जरूरी है, लेकिन सदाकाल कोई सोया रहे ऐसा हो नहीं सकता है। तो आत्मा का निज संस्कार है कर्म में आना। तो इसीलिए वो सदाकाल का मोक्ष कोई भी नहीं चाहता है। और ये तो एक पलायन वृत्ति है, भागने की वृत्ति है। जो परमात्मा ने इतना सुंदर ये संसार बनाया है तो आना और जाना यही तो संसार का नियम है। इसीलिए आत्माएं आती है, पार्ट बजाती है और फिर जाती है। तो मोक्ष सदाकाल किसी को मिल नहीं सकता। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे, रात्रि को 10-11 तक भी वहां आते हैं। सवेरे 4 बजे से ही कहां कहां सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं तो टाइम मुकरूर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु बाबा की श्रीमत देखो, ये नहीं कि कोई भी टाइम उठ सकते हैं, माना वेकेशन पर आए हैं तो 10-11 बजे भी उठे नहीं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठे और जुटका खाए। इसीलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आए फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान बरदार
नहीं कह सकते हैं। फरमान बरदार या सपूत बच्चे का टाइटल नहीं मिल सकता है। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना, कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाया जाए। बाबा कहे कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है, कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वह है ही नई दुनिया। वहां अशांति हो नहीं सकती, शांति तब है जब एक धर्म है। जो धर्म बाप स्थापन करते हैं, बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है। वहां है ही शांति, सोले कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, उनको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 3/4 कहेंगे खंडित हो गया ना, दो कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ न कुछ खिटखिट होगी। दो कला कम होने से शोभा कम हो गई। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में है बिल्कुल अशांति। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे यह आवाज नहीं था, पहले यह आवाज नहीं था कि विश्व में शांति चाहिए, अभी यह बात है कि विश्व में शांति हो। इनसे आगे यह आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो, अभी आवाज निकला है, क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने कारण सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, यह बाप ही आकर समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। वह कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। ये किसको भी पता नहीं है, हेवन कैसे रचते हैं। श्री कृष्ण तो रच ना सके, उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण है इसलिए देवता कहा जाता। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे यह तो जैसे असुर है। जो बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं उनको कहेंगे यह तो जैसे देवता है, और जो लड़ते झगड़ते रहते हैं तो उनको कहेंगे यह तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है, 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, एकदम खीर खंड हो चलते हैं। कहां तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो तुम हो ईश्वरीय संतान। बहुत बहुत खीर खंड हो रहना चाहिए। सत्युग में क्षीरखंड होते हैं, यहाँ क्षीरखंड होना तुम सीखते हो तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया, ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं। यह बड़ी समझ की बात है, तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे ना यह तो मुआ भला। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है, यह समझ नहीं रहती
कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ। बाबा कहे, अगर शिव बाबा के बच्चे हो और अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ, वह तो हीरा है, तो झट तुमको युक्ति बताएंगे, ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध देंगे, ऐसे बहुत है, चलन दैवी घराने जैसी नहीं है। तुम सब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने, यह है ही गंदी दुनिया वैशाली, इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में, विश्व में शांति होगी तो कहाँ होंगी, नई दुनिया में, संगम पर हो नहीं सकती, यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं। संगम युग पर हम पुरुषार्थी है, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना, जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं वह भी कर्म भोग है ना, बाप के ऊपर तो कोई नहीं है, बाबा के ऊपर कोई नहीं है। समझाते हैं, बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे। तो शिव बाबा बाप है, बाप के ऊपर कौन है, सिर्फ धर्मराज है, बाकी और कोई नहीं। तो समझाते हैं, बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के, परंतु ड्रामा अनुसार यह भी होना है जरूर। तो समझाने की युक्तियां बहुत है। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहां इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में, कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता। यह बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे, तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है, एक एक बात को धारण करने में सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना, सारी आयु समझाया है फिर भी समझते नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं, पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ, ज्ञान अलग और भक्ति अलग चीज है, आधा कल्प है दिन आधा कल्प है रात, शास्त्र में कल्प की आयु उल्टी लिखती है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छे है, पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं, कोई न कोई की मत से। बाबा कहे, वानप्रस्थ अवस्था होती तो भगवान को याद करते हैं कोई न कोई की मत से, फिर जैसे गुरु सिखाएंगे भक्ति भी सिखलाते हैं, ऐसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखलाए, उनमें भक्ति की ताकत है तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त कहेंगे, यहाँ सब है पुजारी, वहां पुजारी कोई होता नहीं, भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट्स समझाई जाती है, बाबा आकर हम बच्चों को अनेक पॉइंट्स समझाते हैं, धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो कृष्ण आ रहा है, सतयुग में जरूर कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी, सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। इसमें भी समझ की बात, तुम बच्चे समझते हो, हम तो बाप के बच्चे हैं, बाप व
वर्षा देने आए हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, न त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहां है आत्माओं का झाड़, यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना विष्णु द्वारा। अक्षर भी यह कायदे सर बोलना चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह नशा है, यह सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, यह जैसे बाजोली है, पहले शूद्र है अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी। चोटी और पैर आपस में मिलते हैं, कृष्ण के लिए दिखाता है ना, अंगूठा चूसता हुआ आया, तो चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, पीछे है देवताएं। यह वर्णों वाला चित्र भी काम का है, यह चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्य का वैरायटी रूप है, समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब है तो सब धर्म है, शूद्र से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है, मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं, बाप भी सैपलिंग लगाते हैं जहां विश्व में शांति हो। तो बाबा का सैपलिंग है, विश्व में शांति कैसे हो उसका सैपलिंग बाबा लगाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा स्मृति रखनी है कि हम है ईश्वरीय संतान, हमें क्षीर खंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है, अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। आज का वरदान है एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, इसको कहते बंधन मुक्त। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि घर जाने के लिए व सत्युगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो ऐसे एवर रेडी बने हो या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है, यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है। आज का स्लोगन है व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारी से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.